जीरापुर सब्जी मंडी में माचल पूर्व से सब्जी खरीदने आए युवाओं पर जानलेवा हमले के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर नगर में भारी आक्रोश है जिसके चलते आज माचलपुर नगर पूर्ण रूप से बंद रहा। व्यापारी संघ के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम SDM पल्लवी वैद्य का ज्ञापन दिया गया। व्यापारी संघ के अध्यक्ष गिरिराज मोदी ने कहा कि जीरापुर मंडी में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एकत्रित होकर किए गए जानलेवे हमले के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिससे क्षेत्र में भय अराजकता का माहौल निर्मित हो गया है एवं व्यापारियों के मन में असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है, जिसके कारण आमजन के मन में भारी आक्रोश है। अतः हम सभी प्रशासन से मांग करते हैं कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जावे कि जो भविष्य में मिसाल बने। इस अराजक तत्वों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके एवं व्यापारी व आम जन शांति के वातावरण में जीवन व्यापन कर सके एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बता दें कि गुरुवार की सुबह माचलपुर से सब्जी खरीदने आए फुटकर व्यापारियों पर लाठी डंडे व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 8 नामजद व 10 से 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ सब्जी के फुटकर व्यापारी ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सब्जी मंडी पहुंचकर व्यापारियों से ज्ञापन लेकर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही फुटकर व्यवसायी पर हमला करने वाले व्यापारी 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई और उसकी जाँच करते हुए पूरा उसमें कार्रवाई करेंगे और बाकी पुलिस ने पकड़ लिया है आधार को, तो उनके खिलाफ जो भी मुकदमा बनता अच्छे से बढ़ाया जाए, जो भी नियम अनुसार होगा वही कर पाएंगे। अपराधियों का जो है मंडी से लाइसेंस निरस्त करें, सबसे पहले देख लेंगे उसमें, है ना। और ये आपका ज्ञापन हम पहुँचाने के साथ में, बाकी और कुछ यदि आप लोगों को और कुछ कहना हो तो। बस मैडम, हम तो शांति से जीना चाहते हैं, शांति से रहते हैं सब माचलपुर में, किसी के पास कोई विवाद यहाँ है नहीं और ना पब्लिक इतनी आक्रोश में कभी आती है। पहली बार हुआ है, मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पर। मैडम, क्या रहा है ये झूठों पे हमला करना, तो ये प्लानिंग बद्ध तरीके से हमला कराना, मान लो हथियार इकट्ठे करके रख रखे हैं, जो मेन युक्त है या मालिक मालिक को जिसने हथियार रखवाए उसका लाइसेंस रद्द करवाओ। तो 4-5 व्यापारी अधिकांश मैडम चलोगे ना व्यापारी। सर, क्या मामला है ये पूरा? ये सब्जी विक्रेता है जीरापुर में, दो पक्ष हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ था और मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है और तत्काल ही आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। सर, कितने आरोपियों पर प्रकरण? 8 नामजद आरोपी है, अरेस्ट 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। इनसे कुछ हथियार भी बरामद हुआ सर? हाँ, वो भी कार्रवाई जारी है, जो भी उनके साथ जो भी प्रकरण में जो भी अलग अलग। सर, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया इन लोगों पर? सर, ये जीरापुर की जो घटना हुई है इसमें कितने के आरोपी है, क्या मामला है पूरा? इसमें कुछ आपस में विवाद हुआ था लोगों का, तो कुछ मारपीट हुई है इसके अंदर और गंभीर चोट भी आई है व्यापारी को, तो उसमें पूरा हमारे पास में वीडियो भी है, CCTV फुटेज भी है। तो इसमें अभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के जो लोग हैं उनको पहचान करवा के, जैसे ही जो व्यक्ति हैं जिनको चोट आई है वो शिनाख्त करने के लिए स्टेट में आ जाते हैं, तो उनको शिनाख्त करवा करके वीडियो की सहायता से जितने भी लोग उसमें जिन्होंने मारपीट की है या जिस इस तरह की कोई हरकत की है उनके विरुद्ध नियमानुसार पुलिस से कार्रवाई की जाएगी। पहले चिन्हित करेंगे कि क्या इन लोगों ने क्या वास्तव में किया है, उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि हथियार के साथ जो इन पर हमला हुआ है, तो इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं, क्या क्या हथियार थे? ये तो अभी वीडियो में देख करके और वो पूरी जब बरामदगी सूची आएगी तो पता चलेगा कि क्या क्या हथियार थे उनके पास में, तो ये उसके बाद आपको बता पाएंगे। कितने आरोपी चिन्हित किए गए? आरोपी 8 तो अभी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं पुलिस ने, और इसके अलावा भी अभी जो अज्ञात लोग हैं उनकी वीडियो के द्वारा उनके पहचान की जा रही है और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।